पूनम पांडे के अचानक निधन से फैंस काफी हैरान हैं। 32 साल की उम्र में पूनम का सर्वाइकल कैंसर की वजह से 1 फरवरी की रात में निधन हुआ। वहीं अब हमसे खास बातचीत में उनकी दोस्त टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने बताया है कि वो पूनम की इस बीमारी से अनजान थी। संभावना पूनम के साथ काफी करीबी रिश्ता साझा करती है और उनके साथ एक टेलीविजन शो में काम भी किया था। संभावना कहती है, हे भगवान, मैं उसे जानती थी। हमने खतरों के खिलाड़ी में साथ काम किया है। मैं उनसे पिछले साल मिली थी। दरअसल हम कभी कभी सामाजिक तौर पर या किसी कार्यक्रम में मिलते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो किसी परेशानी से गुजर रही है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं इसे अभी भी नहीं बचा पा रही हूँ। वो आगे कहती है, पूनम पांडे बहुत छोटी थी, मुश्किल से 30 या 32 साल की होंगी। जीवन बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैं मुंबई में नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपना सम्मान देने के लिए वहाँ होती। मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाती। संभावना को झटका इस बात से लगा कि पूनम ने कभी भी उनसे अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात नहीं की। वो आगे कहती है, पूनम ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जरा सोचिए कि वो कितनी मजबूत थी कि उसने कभी भी इसका जिक्र तक नहीं किया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हो अब खुश और ठीक हो। फिलहाल हम पूनम पांडे के निधन पर उन्हें नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं। और आपका इस पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।